यो किसाना कथा। यो दिन यीशु तलो छोड़कर मनखना यो ठुल्लू गोट के शिक्षा दियोन थोए तो ते बता सुनकर ये ती लोग अठभाए की ताक फुटत धन का बजगा नहीं थोए इबान व पानी पर रुकियो नाव में बैठी के मनखन का शिक्षा दियोन ले थोए। यीशु तन के यो कथा सुनाई यो खिताओ की अद्भुतन के गोयो जब वह बीज फोकन ले तो तेमे बत्ती बीज बट मन फरियाए और पुआतने तन सरा बीजन के चौरिल कत्ती बीज जबरान मन फरियाए जागपा माठ होने से बीजन बहुत जल्दी जामन ले थाए पर तना जोड़ा माठ में गहर तक नहीं पहुँच सका और घाम लाग तसी चिमड़ियाए और सूखी थाए। जो बीज भूड़ा बिचन फरियाए सी जामत छापर भूड़ल सी चपड़ियाए और तन में कोई नाज नहीं हुई सौंक तन में ब जुब बीज भलू जगह में फरियाए सी बीज जाम के जत्ती बीज भूतियाँ थे तन में से 30, 60 और 100 गुणा नाज भोए। जो परमेश्वर पिने ही टर्चान वह ई बत की स्वेत जो मबूणो ई कत्थल चालन के हक बक्यों में घाल दिल तब ईसुल तन के बिंगोण के बुले व बीज परमेश्वर वचन ची बट व मनकची जो परमेश्वर वचन के सुनो पर ते के बिंगुन ने ताप शैतान ते में वह वचन चुर दियोन मत बल की शैतान ते के वचन बिंगड़ने दियोन वह जबराना जगह इणु मनकची जो परमेश्वर वचन के सुनो और मगन हुई के मानन पर जब आफत ओन और लोगन ते के सतोन तो वह परमेश्वर पर दूर हुई जान मत बल्कि वह परमेश्वर पर भरोसो छेड़ दियोन। भूड़ा जगह वह मनकची जो परमेश्वर वचन के सुनो पर वह हौर बतना सोच में लागुन वह छक धन कमोड़ जान और वह बहुत चीजन के पहुँच जान जैसे कुछ समय बाद वह परमेश्वर का लाड़ने के सौंपुन इबान जूब तिल परमेश्वर वचन पर सीखित हो परमेश्वर तैसे खुश नहीं हूं वह खल्ली ग्यों जब बाल उड़ची जपार कुए नाश ने हुई सौंपुन पर भलू जग वह मनकची जो परमेश्वर वचन के सुनु तपार भरोसकन्नु और फल्युन मत्ती अध्याय 13:1-8 18-23 मरकुस 4:1-8 13-20 लूका 8:4-15 बयो बाइबल कथा।